फिट आने की बात नहीं, हम शॉपिंग की बात कर रहे हैं। बताओ आप ले, तुम सारे के सारे बंदे स्नैपचैट पे फोटो को खींचते हो, बताओ तुम लोगों को अपनी शक्ल पसंद नहीं है, फिल्टर लगा के अच्छा लगता होगा। ये बात बताई नहीं जाती। हम आपको दिखाने वाले एक गुफा जिसके अंदर शिवलिंग भी है और जहाँ पर पांडव रुके थे, और हम इस ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं, इतनी पुरानी जो कि मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर है। हम अपने डोम में, और अभी देखो अभी कितना सुंदर लग रहा है ये, और सामने का व्यू भी देखो। चलो भाई चलो, सारा सामान निकालो बाहर, वो आ गया है चाय ब्रेड, और यहाँ भी तैयारी हो रही है। चलो आमिर भाई, ये जैकेट आपने गंदा तो नहीं कर दिया मेरे वाला? धो के दे दूंगा। हाँ धो के इसको वापसी कर देना। समीरन का है, समीरन वॉशरूम में होगा। समीरन आ जा, ठीक है। और जरा पर्दा खोले और देखे बाहर का नजारा, तगड़ी धूप, तगड़ी स्नोफॉल का कोई भी नामो निशान नहीं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज फाइनली हम मनाली छोड़ के जा रहे हैं। हम रुके हुए थे कि स्नोफॉल होगी 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 होगी, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है जब मैं यहाँ से निकलूंगा ना तभी स्नोफॉल होगी। जब तक मैं यहाँ हूँ स्नोफॉल होने नहीं वाली, नामो निशान नहीं दिख रहा, रोज तगड़ी वाली धूप निकल जाती है। लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं हमटा से ऊपर सेथन, एक बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है, बहुत ही बढ़िया होटल है, वहाँ पे रहने के लिए। आपको दिखाऊंगा, आप बोलोगे वाह, दिल खुश हो गया। मतलब वो तो जगह बढ़िया आई है, वहाँ से जो व्यू है ना वो और चार चांद लगा देता है। दो बड़े बड़े बैग तो नीचे चले गए, मेरे को ऐसा लग रहा है जितने बैग हम लाए थे ना उससे ज्यादा हो गए हमारे पास। ये क्या है, छोटे छोटे बैग किसके हैं? ये वकील का है। ओ वकील, ये छोटे छोटे बैग में क्या लाया भाई? छोटो को हेलो। छोटो को हेलो, अच्छा भाई इसमें छोटो को हेलो है, जिसको भी चाहिए ले लेना। मैं दे रहा हूँ छोटो को हेलो, बाहर किसी को दे दूं? ले भाई ये क्या, छोटो को हेलो। चलो भाई चेयर चेयर चेयर, आखिरी शाम हमारी मनाली में हो रही है। देखो भाई इसका कप, देखो नीचे होम फॉइल लगा हुआ है, इसको लग रहा है अभी भी गर्म हो रही है, इसके होम फॉइल लगा हुआ है ना तो गर्म ही रहेगी। ले भाई अबे चाय कहाँ है सही है, सुबह सुबह की शुरुआत चाय और ब्रेड टोस्ट के साथ। लो भाई सब के सब लोग नीचे चले गए हैं, रूम भी एकदम खाली हो गया। चल वकील तू भी नीचे, ये देखो इनको देखो भाई, अभी ये देखो, ये रहा तौलिया, ये रहा ड्रायर, ये बैग खुला हुआ, वो बैग खुला हुआ है, इनके बाल खुले हुए हैं। कब चलोगे भाई? हो गया। कभी कभार ऐसा होता ना, सारा सामान बिखरा होता और बंदे से पूछो कब चलोगे, हाँ हो गया, अच्छा हो गया, ऐसे कैसे हो गया भाई, सब तो बिखरा हुआ है। ओ भाई साहब अब नजर आया सारा सामान साथ में, बहुत ही ज्यादा भाई। अक्की मेरे से मिली भी नहीं सुबह से, अक्की आ जा, कैसी है? ओए कहाँ जा रही है? अरे अरे मैंने आवाज मारी थी, वाह मेरे दोस्त। ओ देखो देखो देखो, बिल्ला भाग रहा ना इसके पीछे पीछे, देखो ये उसी को देख रही है। भाई तू कैसे घूम रही है खाली हाथ? सामान उठा अंदर जाके, सबको बोला थोड़ा थोड़ा सामान लेकर जाओ। मेरे हाथ में भी दो बैग है, दो दो बैग सारे लेके जाएंगे ना, सारे गाड़ी के पास पहुंच जाएंगे। हमेशा की तरह ये थैला फिर से बाहर रह गया। और भाई साहब आज तो थोड़ा सा भी जगह नहीं है हवा जाने का भी। पहले हवा जाने की जगह थी ये, इसने और साहिबा ने जो शॉपिंग करी है ना उसका सामान बढ़ गया। सच बता रहा हूँ, हम दोनों ने एक शॉपिंग नहीं करी, बस इसने एक शूज लिया, एक शॉपिंग नहीं करी, एक कुछ भी नहीं खरीदा, और इन दोनों ने भर भर के शॉपिंग करी है। मैंने नहीं किया है भर भर के शॉपिंग। भाई साहब दो दो जोड़े तो तुम्हारे वो नाइट सूट ही है, वो मोटे मोटे है कि नहीं है? वो मेरे बैग में फिट नहीं आया। फिट आने की बात नहीं, हम शॉपिंग की बात कर रहे हैं। बैग तो बड़ा हो गया उसके वजह से। बैग तो बड़ा हो गया। ओ बाबे गुड मॉर्निंग, सबसे ज्यादा लेट, सबसे ज्यादा लेट आप ही हो। चलो ठीक है, इनको आज अवार्ड दिया जाएगा सबसे जल्दी तैयार होने का, लेकिन यहाँ नहीं ऊंचाई पे देंगे अवार्ड। ये देखो भाई सब लोग तैयार है, और ये भाई साहब पता क्या कर रहे हैं, दिखा दो अपनी कंघी में से अपने बाल निकाल रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट है, बंदे बैठे हुए हैं, चलो चलो। तो आमिर भाई जिप्सी के साथ इसलिए चिपके हुए थे क्योंकि जिप्सी हम यहीं छोड़ रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं डिफेंडर और इसुजू, और बंदे हो गए फिक्स। ये देखो भाई कमरे में मेकअप नहीं खत्म होता, यहाँ भी चालू हो गया यार। वैसलीन लगाने में भी मौत आ रही है। वैसलीन रंग बिरंगी भी आती है, लिबाम है भाई। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा लिपस्टिक है, लिपस्टिक लगा रही हूँ। रेडी भाई? ओ समीरन कहाँ गया? लो भाई सुबह सुबह लोग याक के साथ फोटो क्लिक कराते हुए भाई, मोटे कमा लेंगे हम फिर। ये देखो इन भाई साहब को गर्मी चाहिए थी, कहाँ सोए हुए? ओ छोटे काम वाम पे नहीं जाना, कोई मतलब नहीं है अपना काम कर रहा हूँ मेन काम इसका ये धूप में लेटना, अपना काम कर। वो कह रहा है तू जा भाड़ में अपनी वीडियो बना, मेरे को सोने दे, तू अपना काम कर, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। भाई साहब भीड़ देखो, भीड़ धूप देखने आए हैं।
एक तो पुलिस वाले भाई साहब ना हमें यहाँ गाड़ी खड़ी करने देते ही नहीं है। जैसी खड़ी करो करे भागो यहाँ से, नजर मत आओ यहाँ पर। करे देख देख के परेशान हो गए, पहले डिफेंडर दिखती नहीं थी, अब रोज नीली डिफेंडर दिखती रहती है। मुझे बताओ आप ले तुम सारे के सारे बंदे स्नैपचैट पे फोटो क्यों खींचते हो? क्योंकि हम तुम्हें एस्थेटिक्स है। मैं बताता हूँ, तुम लोगों को अपनी शक्ल पसंद नहीं है, फिल्टर लगा के अच्छा लगता हूँ। ये बात बताई नहीं जाती। मैं कभी भी स्नैपचैट यूज ही नहीं करता, नॉर्मल जैसी शक्ल है वैसी आनी है यार कैमरे पे। दे फिल्टर मेरे पे भी लगा देते भाई, तितली उड़ रही होती है ऊपर, तितली वाला मत लगाइए भाई फिल्टर, नॉर्मल ठीक है ना भाई। तितली उड़ा देते भाई, कभी कुछ कभी बिल्ली बनाए कभी कुत्ता बना देते हैं यार। चलो भाई, अरे गत्ते अटक गया था पैर से। थोड़ी बहुत शॉपिंग जाने के लिए चिप्स ले लिए और ये पीनट ले लिए, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। अरे नहीं नहीं, पूरी पेटी नहीं है हमारी। हाँ, अंकल भाग रहा है ये, ले जाओ। कब क्या हुआ? 4000 की पेटी बस, टेंशन क्यों ले रहा, 4000 दे ले जा, टेंशन ना ले। तो एक बार आपको बता दूं, अभी हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं रात को वहीं रुकने के लिए, बहुत मजा आने वाला है। और उसका नाम है मिस्टिक हाइस्ट। डोम टेंट आपने सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो आज आपको दिखा भी दूंगा, पूरे कवर भी हो जाते हैं और अगर उसके ऊपर से टेंट हटा दो तो रोशनी भी अंदर आती है। वो कांच के बने होते, क्या होता है, फाइबर होता है, कुछ आइडिया? वो आगे जाके पता लगेगा ना, उनसे पूछेंगे। हमें भी आइडिया नहीं है, हमने खाली वीडियो में ही देखा। फाइबर बना होता है क्या होता है, इसका फोन आ गया तो अभी हम वहीं जाके आपको दिखाते हैं। आइडिया होता, अभी आइडिया बंद हो गया ना, आइडिया बंद हो गया, अब एयरटेल चल रहा है खाली, वोडाफोन चल रहा है। यहाँ से ऊपर जाना था क्या? देखा अभी उधर चले जाते हैं, हम जाना यहाँ था। एक तो आमिर भाई धीरे गाड़ी चला रहे हैं ना, हम यहाँ पहुँच भी गए हैं, आगे बैरिगेट है, वहाँ पर एंट्री करानी, एंट्री होगी उसके बाद ही आगे जाएंगे। बैलगाड़ी चला लो ना। क्या धीरे धीरे चला रहे हैं यार, कमजोर नहीं है भाई, वो इसी का टायर है। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, तो मैं वो इसी का टायर है, वो चेंज करके हमने गुरुजी गलती हो गई, गलती बस अपने बगावत। मैं देखो यार, इसमें ना ये पंचर हो गया था ना, ये तीन टायर अलग है, पर ये देखो ये एक टायर अलग है और ये इसी का ही टायर है, इनको कौन समझाए। कमजोर कुछ नहीं है, कमजोर हमेशा इंसान होता है, टायर नहीं। लो भाई ये नोटिस दिया इन्होंने, 250 रुपए का, 250 रुपए एक गाड़ी के लिए, ये लो। थैंक यू भैया। बुखारी चल गई है, हमारे लिए खाना बन गया होगा, लेकिन अपने को जाना है ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर के रास्ते पे, ऊपर नहीं, हाँ वही भाई, ऊपर के रास्ते चढ़ाई पे। अगर आपको याद होगा 3 साल पहले मैंने ये वाला पेड़ दिखाया था भाई अपनी वीडियो में, ये देखो इसकी ना एक डंडी काट दी भाई किसी ने, यहाँ पर भी एक वो निकल रहा था, बहुत सही लगता है पेड़ दूर से देखने में ना। लो भाई देख लो, ऐसे होते हैं डोम टेंट्स ना, ये भी आपको दूर से दिखा रहा हूँ, और वो वहाँ से हमें व्यू आएगा, ये देखो सामने का बहुत सही व्यू आने वाला है, मज़ा आएगा। और आज हम टाइम से पहुँच भी जाएंगे, 1:46। एक्चुअली होता क्या ना, घर से लेट निकलते हैं, वहाँ लेट पहुँचते हैं, एंजॉय कर ही नहीं पाते, आज पूरा एंजॉय करेंगे, ड्रोन भी उड़ाएंगे। भैया की बाइक बंद हो गई आगे, ये क्लच प्लेट फूकेगा, पक्का फूकेगा। देखो भाई, एक तो तगड़ी चढ़ाई, ऊपर से ऑफ रोडिंग, ऊपर से भाई ने ट्रिपलिंग करी हुई है, मैं इनसे आगे नहीं निकल रहा, नहीं तो धूल उड़ेगी इनके ऊपर तगड़ी, इनको मैं आगे आगे जाने दे रहा हूँ, आराम से जाते रहो। लो भाई ये रही अपनी गाड़ी और हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ हमें पहुँचना था। क्या बात है, सामने का नज़ारा, ये नज़ारा दिखेगा ना हमने सामने, है ना। और ये अपने पुनीत भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हो? एकदम बढ़िया। बहुत तरसाया अपने यहाँ आने तक। अरे अरे बस ऐसे ही है, भागा दौड़ी में ना पता ही नहीं लगा। मोस्ट वेलकम। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो बना होता है, ये क्या फाइबर होता है, कांच होता है, क्या होता है? नहीं ये फाइबर होता है। फाइबर होता है ना। हाँ जी। और ये पर्दा हम चाहे जितना मर्जी खोल सकते हैं, इतना ही खुलता है? नहीं, ये आगे से तो नहीं खुलेगा, डोर से ही एक्सेस है इसका। अच्छा, डोर से एक्सेस है। हाँ जी। ओके, चलो ऊपर चल के दिखाते हैं आपको एक बार। फाइबर इंसुलेटेड होता है, ठंडा नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा ठंडा नहीं होगा, ठंड तो नहीं लगेगी इसमें, बिल्कुल लगेगी। और यहाँ हमें हमारा दोस्त भी मिल गया, वो देखो साहिबा के पास, क्या नाम है इसका? बूस्टर। वाह, जैसे हम एनर्जी बूस्टर हैं, इसका नाम भी बूस्टर है। दिखाओ ना एक बारी। नहीं क्या? दूसरा एक और सीडी। सीडी कहाँ है? भाई मर जाएगा वो। नहीं, एक और है, सीडी कहाँ है? अरे एक मिनट दिखाओ ना। अरे उसको मिलवा ले तो दो वीडियो पे। दिखाओ। ओ बेचारा क्या। हेलो बूस्टर। चलो अब दफा हो। ऐसे ही दफा। ले लो इनसे, ले लो। भाई साहब एक और है सीडी, वो इससे क्यूट है। हैं? ये लो भाई। ये कितने गंदे हैं। देख रहे हो? दुनिया क्यूट के पीछे भागती है बेचारा। नहीं नाजुबान हट जाओ। तुमने बोला ना कहाँ वो क्यूट वाला? पकड़ लिया ना। वो आ गया क्यूट वाला। तो ये रहा भाई अपना रूम। ओके, नीचे भी सीटिंग है। ये तो काफी खुला लग रहा है।
है ना, बाहर से पता नहीं चल रहा। हां बाहर से नहीं पता लग रहा, वो हवा निकालने के लिए, हवा डालने के लिए एग्जॉस्ट है ना, हवा निकालने के लिए। ओके ये पर्दा हटा दोगे तो आपको बाहर का व्यू आ जाएगा। सही है, यहाँ बैठ के आराम से चाय वाय पियो, धूप वूप सेको। वॉशरूम भी अंदर ही है? हाँ जी, वॉशरूम साइड। ये बढ़िया है, वॉशरूम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा ना, फुल्ली लग्जरी। अरे वाह, वॉशरूम भी कमरे जितना चौड़ा है। वकील तू तो अंदर ही सोएगा वॉशरूम में। छोटी सी एक होगी। पुनीत भाई, बूस्टर का घर कौन सा है? बूस्टर घर नीचे है। नीचे है ना, चलो तुम भी निकलो। नहीं चलो बूस्टर के कमरे में वैसे। अरे भाई चलो चलो, मेरे साथ ही सोएगा। हाँ चलो बूस्टर के कमरे में जाओ। नहीं तो ये आपके साथ ही रहेगा। हाँ। इसको पीछे टोकरी में डाल लो ना, इसमें डाल लो। एक डोम हमारा वो रहा, एक ये रहा, और एक कौन सा है? एक ऊपर है, ब्लैक ऑर्डर। एक ऊपर है, हाँ ये वकील को ऊपर वाला देना। वेट बढ़ गया ना इसका, थोड़ा चढ़ेगा। और यहाँ भी बैठ सकते हो भाई। जा समीरन, तेरा ही वेट ज्यादा है ना, चेक करते हैं भाई मजबूत है कि नहीं है। चल 1, 2 का 4। ओ भाई जान, इनमें पैर फंस जाए तो गद्दा पड़ रहा है ना वो लेने के। मैंने देखा लोगों की रील में ऐसे ही बैठे होते हैं। मेरी रील भी थी एक ऐसे, भाई बढ़िया कह रहे हो। ऊपर छलांग, तुम्हें लड़कों के ऊपर छलांग मारनी होती है? ओ ओ ओ बेशरम, ओ आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। ये देखो देखो भाई, ये देखो क्या हो रहा है। नियत खराब है इसकी, बच के रहो इससे। इसको अकेला कमरा देना भैया। पुनीत भाई, इसको अपने साथ सुला लोगे क्या? नहीं भाई। वो भी मना कर रहे हैं भाई। लेकिन भाई लोकेशन एक नंबर, सच में बढ़िया है। और जो सामने का व्यू आ रहा है ना, अभी धूप ज्यादा है, थोड़ी धूप कम होगी ना 3-4 बजे करीब, तो ड्रोन भी उड़ाएंगे तब आपको सामने का व्यू बढ़िया तरीके से दिखाएंगे। भाई चाहे अगर इसका बंदे का बीच में से पैर यहाँ चला जाए फिर नहीं होगा, इस पे फंसेगा नहीं पैर, क्योंकि ये स्लिप नहीं करेगा इधर। भाई तगड़ी धूप है, यहाँ चल रहा है फोटो सेशन। कुछ कुछ बढ़िया फोटो आ रही, लेकिन कुछ कुछ नहीं आ रही। शाम होने का वेट कर रहे हैं। और ये देखो, लग रहा है ना टेडी बियर रखा हुआ है। असली है ये, असली है। दांत दिखा, दांत ये मैं चक्की मार दूंगा इसको। बड़ा मजा आ रहा है, देखो कितना छोटा सा मेरे एक हाथ जितना। इसको मसाज मिल रही है ना फ्री, इसलिए मजा आ रहा है। लो भाई, फोटो सेशन होता ही ना पूरा रूम खाली, ये अकेली बैठी है। ये भी आ रहे हैं, ये थोड़ी इसकी मीटिंग चल रही है, आएगी बाहर। चाय आ गई भैया? हां जी सर। अच्छा रख दी। और इनको देखो भाई, ओए सिटी कहाँ जा रहे हो? इनको देखो कहाँ बैठे हैं, मजा आ रहा है धूप सेकने में, है ना? तगड़ा मजा आ रहा है। ये बोल रहे फार्म हाउस हमने वहां बनाया, फिर कितना बजट लगा। किसने बनाया फार्म हाउस? इसने। आज तक हमने ना इसका फार्म हाउस देखा है, ना हमने घर देखा है, ना हमने कुछ देखा है, सिर्फ हमने श्रीनगर में होटल देखा है। हम बोलते बोलते थक गए इनसे। हमने बोला कभी अपने घर ले जाओ, कह रहे नहीं मम्मा अलाउड नहीं करेगी। चलो आ जाओ चाय पिलाता हूँ तुम्हें, आ जाओ मेरे राज में चाय पी लो। फार्म हाउस तो देख नहीं पाए हम। बोले फिर आ गई है ये, अरे आ गए अपने चाय पकौड़े। आ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी, फायदा नहीं है, धूप तो है लेकिन हवा चल रही है। ले भाई तेरे चक्कर में वेज खा रहे हैं हम। चलो भाई चेयर्स है, जिसके जिसके हाथ में कप है आ जाओ। चेयर्स, शिबू चेयर्स, चेयर्स। आज की शाम चाय के नाम, मिस्टी खाइस्ट के नाम, मिस्टी खाइस्ट की चाय के नाम, सॉरी। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं हमटा तक एक चक्कर लगाने के लिए, और आपको आज एक बहुत ही खास चीज दिखाने वाले हैं, जो कि आज तक किसी ने अपने व्लॉग में नहीं दिखाई होगी। पहले वहां जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। भाई सीढ़ी देख रहे हैं कितनी लंबी है, तो हमारी जिप से भी स्टार्ट हो गई है। अभी आएगी एकदम थकड़ी हवा, ठंडी वाली। गर्मी होगी, मौसम थोड़ा गर्म हो गया। मैं तो अपनी जैकेट भी वहीं छोड़ा हूँ, अब जा रहा थोड़ा ऑफ रोड करने के लिए। भाई ने भी अपनी जिप्सी उठा ली, पीछे इसुज़ू आ रही, डिफेंडर भी है। दाएं दाएं आतंक मचा देंगे। पूरी दीवार बनाई हुई है ताकि पानी बाहर ना जाए, और ऐसा लग रहा है ना कपड़े धोने वाला बना हुआ गांव के बीच में, कोने में बैठ के आंटियां कपड़े धोएंगी। अबे आपको भी ऐसा लग रहा है, ये दीवार थोड़ा झुका हुआ है। झुका नहीं हुआ, असली में झुका हुआ है ये। हाँ है ना, असली में झुका हुआ है। इस टाइम पिछली बार हम यहाँ पर आए थे ना, हम इग्लू हम यहीं पर रहने आए थे, अगर आपको याद होगा। मेरी वीडियो देख लेना इग्लू वाली, उस पर लिखना जट प्रभजोत इग्लू वीडियो, आ जाएगी यूट्यूब पे। भाई साहब इतनी स्नो थी, इतनी स्नो, और अपने पास जिप्सी थी, जिप्सी निकालने की जगह नहीं थी। और अभी देखो धूल मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। ओ भाई साहब, ये बर्फ है क्या? बर्फ है भाई, ये ब्लैक आइस है सारी, ये देखना। हाँ यहाँ पर तगड़ी ब्लैक आइस जमी होती थी, इस बार तो बर्फ ही नहीं, लेकिन ब्लैक आइस जरूर मिल गई।
वाले तेरे भाई गाड़ी 360 हां एक बारी हां पता तो चले डिफेंडर का पावर वो घूम गई भाई ये जगह देख रहे हो ये यहां से हम नीचे उतरते थे इग्लू के लिए यहां नीचे इग्लू होता था अब तो कुछ नहीं दिखाई देगा तेरे को गहराई दिखाई देगी देख लीजिए इस साल भी सोचा था आएंगे ग्लू बनेगा अपने हाथ से बनाएंगे आराम से एंजॉय करके जाएंगे लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है पता नहीं क्या है लेकिन कुछ और ही है आ तो गए हम लोग बस ग्लू नहीं बना पाए हाँ, बर्फ नहीं ला पाए लो भाई पहुंच गए यहाँ से अभी 200-300 मीटर ऊपर जाना है और हम आपको दिखाने वाले हैं एक गुफा जिसके अंदर शिवलिंग भी है और जहाँ पर पांडव रुके थे बहुत टाइम पहले जब भी रुके थे और गुफा के अंदर अंदर से रास्ता जाता है मणिकरण साहिब वहाँ से वो पानी लेकर आते थे यहाँ पर सब्जी उगाने के लिए बहुत सारी स्टोरीज है एक बार गुफा के वहाँ पहुँचते हैं फिर आपको बताते हैं बहुत ही सुंदर है मैंने अभी खाली स्टोरी सुनी है वहाँ देखूंगा तो आपको दिखाऊंगा चलो भाई लेट्स गो गुफा जाने की शुरुआत छोटे से वाटरफॉल के साथ पानी गिर रहा था हाँ 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 देखो भाई जितने भी बंदे दिल्ली से आते हैं यूपी से आते हैं उनके लिए कहीं से ही पानी गिर रहा हो ना पहाड़ों में वो वाटरफॉल हो जाता है सीधी सी बात ही है वो ही है सामने गुफा कितनी दूर है यहाँ से 200-300 मीटर 150 मीटर तो भाई ये सारा का सारा देख रहे हो ये एरिया यहाँ पर धान उगाते थे वो पक्का यही है भाई हमारी फोटो भी क्लिक कर रहे हैं महंगे वाले कैमरे से आज तो वो देखो सामने हमने दो इंजीनियर ना पहले भेज दिया अपने साहिबा और वकील देखने के लिए कि सब कुछ सेफ है कि नहीं है वो देखो वो उसको समझा रही है अभी ध्यान से नजर तो नहीं आ रहा होगा और ये देखो हड्डियां भी गिरी हुई है यहाँ पर हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो आगे गए इन्वेस्टिगेशन करते हुए फिर हमें बता रहे हैं आगे का रूट सही है आ जाओ आप लोग हाँ भाई हेलो सब कुछ सेफ है आगे सब कुछ बढ़िया लो भाई फाइनली पहुंच गए हम कहाँ है गुफा ये है इसके अंदर ओके ये तो बंद करी हुई है ये देख रहे हो ये सारा धान है ये खेती को करते थे अंदर जा सकते दूर तक जहाँ तक नजर आ रहा है रास्ता नहीं है चलो भाई जूते भी उतार दिए ओके ओ भाई बहुत ही छोटी हाइट है आराम से ओके मैं कैसे खड़ा हूँ झुक के ओके इतनी बारी हम यहाँ पर आए हैं आज तक हमने ये गुफा नहीं देखी थी और कितनी सुंदर है अंदर से और एक और चीज देखो जो सबसे जरूरी है हिलाना मत ऐसा हाथ से ये तब से ही पड़ा हुआ है उस टाइम का ही कांगे भाई अच्छे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइम का पड़ा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल सर कि ये रास्ता था वहां से बंद कर दिया बैक साइड में पीछे देखोगे ना ध्यान से तो वहां लकड़ी लगी हुई है इस एरिया पूरी लकड़ी है पीछे ब्लॉक कर दिया ब्लॉक कर दिया परमानेंट ही हाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहुंच जाए क्या फायदा तो ये गुफा आप लोगों ने देखो महाभारत तो देखी होगी कितनी पुरानी है और ये गुफा उस टाइम की है जब पांडव वनवास काट रहे थे तो कुछ टाइम के लिए वो यहाँ भी रुके थे और हम इस ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं इतनी पुरानी जो कि मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर है और हम वहाँ खड़े हुए हैं जो कि हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे कि पांडवों ने यहाँ बनवास काटा एक जगह पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पर भी काटा कितना टाइम रहे मुझे आइडिया नहीं है लेकिन भाई बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लग रहा है कि हम अपनी वीडियो के थ्रू आपको भी दिखा पा रहे हैं तो आप लोग भी दर्शन कर लो सामने शिवलिंग है कुछ भी मांगना चाहते हो मांग सकते हो जय भोले की भाई साहब हो बहुत सही लग रहा है भाई बहुत सही बताओ कभी सोचा था ऐसे पत्थरों के नीचे गुफा बनाई होगी पुराने हाँ वो वैसी वाइब आ रही है वो लोग कैसे रहते होंगे इसके अंदर और तब भी मौसम ठंडा भी होता है गर्मी भी होता है गर्मी में भी सर्दी में भी यहाँ नीचे उगा रहे हैं यहीं खा रहे हैं बहुत सही होप करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा अच्छा लग रहा होगा और ये जो घास देख रहे हो आप ये पूरे मनाली में सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगी और कहीं नहीं देखने को मिलेगी और अभी भी इसमें अपने आप ही कुछ ना कुछ उगता रहता है ये देखो भाई चिप्स लेकर आए थे गुब्बारे बन गए हैं फटने वाले हैं दिखाइयो ये तो बम बन गए भाई अरे इसके अंदर और आगे होगा मुंडी उधर कर बूम
पूरा फटने को तैयार एकदम। चलो भाई अभी हम थोड़ा आगे जा रहे थोड़ा ऑफ रोडिंग करने के लिए, और धूप को मद्देनजर रखते हुए हमने लगा लिए अपने महंगे वाले गॉगल, और आगे जाके कुछ खाएंगे भी हल्का फुल्का। ये वाटरफॉल है क्या? नाला है। ये लोग अरे यहाँ ये लोग ना यहाँ के लोकल लोग वाटरफॉल को नाला कहते हैं। ये देखो भाई हमारे लिए तो ये भी वाटर, ये नाले हैं सारे पानी है, बह रहा है तो वो वाटरफॉल। हम तो यहाँ का पानी पी भी जाते, नहीं पीना चाहिए, पी तो सकते हैं ना। लो भाई यहाँ से ऑफ रोड चालू होता है। यहाँ पर हमने गुरुजी का बर्थडे भी बनाया था, ऊपर फोटो खिंचाई थी, अनुराग ने खींची थी बड़ी सारी फोटो ना। ये हम यहाँ से गाड़ी ऊपर ले गए थे, वो वहाँ से घुमा के लाए, अभी हमने दोबारा यू टर्न मार लिया, फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अभी बड़ी आ नहीं रही, सूर्य देवता का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है। और ये आपको दिखाता हूँ, ये है नीचे डैम, क्या सुंदर बना हुआ है, और अभी भी काम चल रहा है, मेरे ख्याल से अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है इसमें। चलो चलें भाई, अपने को लग रही है अभी तगड़ी वाली भूख। यहाँ के सारे ढाबे बंद हैं बिकॉज ठंडे मौसम में ना सारे लोग नीचे चले जाते हैं, नीचे खुले हुए थे यहाँ से 2-4 किलोमीटर नीचे, वहाँ जाते हैं कुछ खाते हैं, फिर अपने गुंबद वाले होटल में जाते हैं, वहाँ ड्रोन उड़ाते हैं। मजा आने वाला है, आज शाम को तगड़ी महफिल जमने वाली है भाई। हम लोग मेन चीज तो दिखाने ही भूल गए, गाड़ी से उतर के वापसी आया। वो देख वाटरफॉल दिख रहा है कितना सही। हाँ। सुंदर, जहाँ पे गिर रहा है पानी वहाँ पूरा बर्फ जमा हुआ है, पूरा बर्फ जमा हुआ, और जहाँ से गिर रहा है ऊपर से भी वो बड़ा ऊपर से आ रहा है वाटरफॉल, वो वहां से आ रहा है। पहाड़ों में ऐसी सुंदर चीजें देखने को ना मिलती रहती हैं, बस आपकी नज़र हर जगह घूमनी चाहिए। वो भी सुंदर, ये भी सुंदर, ये भी सुंदर, ये गाड़ी भी सुंदर, हम भी सुंदर, आप लोग जो देख रहे हो वीडियो वो भी सुंदर, सब सुंदर। अब लग रहा है भाई डिफेंडर के असली मजे ले रहे हैं हम, मजा आ रहा है। भूख लग रही थी तगड़ी, यहाँ चालू हो गए 50-50 बिस्किट, सब लोग नहीं खा रहे लेकिन कुछ खा रहे हैं कुछ नहीं खा रहे, लेकिन मैं तो खा रहा हूँ भाई। और अभी हम जा रहे हैं वापसी अपने घर को, जो आज के लिए हमारा घर है वहाँ को। लो भाई सनसेट होने वाला, मेरे को तो नहीं लग रहा शायद हम ड्रोन उड़ा पाए, पहुँचते पहुँचते ही सूर्य देव तक गायब हो जाएंगे। और यहाँ पर मैगी पॉइंट भी है लेकिन आधे से आधा बंद है, आधे से आधे का सारी बंद है मौसम में ना। वो भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, अरे भाई खाली बैटिंग कर रहे हैं हम भी, हमारा बैट है खुद का। हाँ खुद का बैट है हमारे पास भाई साहब। इससे प्यारा सनसेट आपने आज तक नहीं देखा होगा, देखो 20% सूर्य देवता अंदर चले गए, अभी भी 80% है, तुम्हारी शक्ल नजर ही नहीं आ रही। यहाँ बैठ के देखो सब के सब वो देख रहे हैं, अभी हमारी गाड़ी आई है बाकी भी आ रही है लाइन में, लेकिन क्या सुंदर नजारा है ना। लो भाई पहुंच गए हम अपने डोम में, और अभी देखो अभी कितना सुंदर लग रहा है ये, और सामने का व्यू भी देखो। भाग गया वो डर के, चलो ड्रोन शॉट मजा आएंगे। गुरुजी अपनी भेड़ बकरियां साथ ही ले आए हो क्या? तो गाड़ी में डाल के लाना था ना, मैंने वो बंदे रखे ना मैंने। अच्छा बंदे हैं, ओके ओके फिर ठीक है। लो भाई हमारा खाना रेडी है। ओ भाई अच्छा बनाया हुआ कैफे भी, इन्होंने खाना भी शुरू कर दिया है, ड्रीम कैचर ही ड्रीम कैचर लगे हुए हैं यहाँ पर। लो भाई ये आ गई अपनी गर्मा गर्म बिरयानी। Cheers. लो भाई अपना खाना पीना हो गया, बिरयानी तो एक नंबर थी, एक बारी वेज वालों से पूछ लेते हैं आपकी वेज बिरयानी कैसी थी। बहुत टेस्टी, मजा आया।
चलो बढ़िया है। और सबसे बढ़िया यहाँ से ये जो व्यू दिखता है, कौन सा शहर बताया था, क्या है? रांगड़ी। ये देखो, ये तो हम ही नजर आ रहे हैं, थोड़ा पास से दिखाता हूँ। अब देखो बाहर से क्या सुंदर लग रहा है, रांगड़ी है ना ये। व्यू भी सुंदर है यहाँ पर ना, ऐसे जगह पे रहने का मजा ही कुछ अलग है ना। भीड़ ना भीड़ वाला। आए तो हम एक दिन के लिए थे, अब चार दिन नहीं जाने वाले। अरे अरे अरे। और ये भाई लोग ऊपर से, किसकी फोटो बढ़िया नहीं आई थी, किसी की बढ़िया नहीं आई। अरे अरे अरे, चलो खींचो। लो भाई यहाँ पर हो रही है बॉन फायर, और सारे के सारे हम लोग बैठ गए हैं, गाने वाने चला के एकदम, थोड़े धुंधले धुंधले नजर आ रहे हैं। भाई यहाँ हो गई है डिनर की तैयारी, बहुत डांस कर लिया हम सबने। और ये देखो रूम में क्या बढ़िया लगा हुआ है, ये दूसरे रूम में नहीं है लेकिन ये अच्छा लग रहा है ना। खाली ट्यूब बंद होती है, एक बार देखिए ट्यूब बंद होती है, खाली ट्यूब बंद होगी ना और सुंदर लगेगा ये। नहीं नहीं ये तो दूर है। हाँ सुंदर लग रहा है ना, एकदम बढ़िया बड़ी। चलो ठीक है भाई, अभी है खाना खाने की तैयारी, उसके बाद सो जाएंगे, सुबह आपको दोबारा मिलेंगे। होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आया होगा। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। और हर बार मेरे को बंदे कहते हैं कि जिस भी प्रॉपर्टी में आप रुकते हो ना कुछ डिटेल बताया करो। देखो अपने पास ज़्यादा डिटेल तो नहीं रहती, डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ दूंगा, आपको कुछ भी डिटेल चाहिए इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको वहाँ से मिल जाएगी। चलिए बाय बाय भाई। ये है रात का कुछ नज़ारा, ऐसा लग रहा है स्टार्स हैं, ये सारे के सारे सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। और एक बार आपको टाइम बताऊं, टाइम हो गया 11:35, 11 नज़र नहीं आ रहा, टी शर्ट के पीछे छुप गया। क्या सुंदर व्यू है, और ये हम यहाँ रुके हुए हैं। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।